तो आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहला बॉडी टाइप हम कवर करेंगे जो कि है एक्टोमॉर्फ। अब एक्टोमॉर्फ एक्चुअली है क्या? तो एक्टोमॉर्फ उन लोगों को कहा जाता है जो पहले से ही काफी लीन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फैट और मसल मास रिटेंशन कम होता है और साथ में उनके जो बोन्स जॉइंट्स है वो भी काफी छोटे होते हैं, उनको कहा जाता है एक्टोमॉर्फ। तो अब हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ के बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर वन, कि वो नेचुरली स्लिम दिखते हैं। नंबर टू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट जो है काफी हाई होता है, उसकी मदद से वो जब चाहे जो चाहे सब कुछ खा सकते हैं, वो भी दबा के। नंबर थ्री, उनका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो है काफी अच्छा होता है। नंबर फोर, एंड्योरेंस, फॉर एग्जाम्पल उनका रनिंग, स्प्रिंटिंग करना है, साइकिलिंग करना है और अदर एक्टिविटी जो काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। बेनिफिट नंबर फाइव, लेस रिस्क ऑफ ओबेसिटी। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म रेट काफी हाई होता है, तो वो इजीली वेट गेन नहीं कर सकते। बेनिफिट नंबर सिक्स, जिन लोगों को एब्स करने हैं, जो काफी होते हैं एब्स बनाने, तो एक्टोमॉर्फ जो लोग होते हैं उनको विजिबल करना एब्स काफी इजी हो जाता है, उनको कम एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं एकदम एक्सट्रीमली विजिबल एब्स दिखाने। तो अब बात करते हैं एक्टोमॉर्फ लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नंबर वन, डिफिकल्टी गेनिंग इन वेट। उन लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट इतना हाई होता है कि वो कुछ भी अगर खाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनकी जो कैलोरी है वो जल्दी बर्न होने लगती है, इसीलिए वो वेट गेन नहीं कर सकते जल्दी एज कम्पेयर टू अदर बॉडी टाइप के। नंबर टू, जो कि है लो मसल मास, उनके अंदर ऑलरेडी मसल मास जो है कम होता है, तो जैसे अगर कोई उनको स्पोर्ट्स खेलना है या कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो उसमें पार्टिसिपेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए उनको काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी पड़ती है, तो वो मसल मास कम होने की वजह से वो नहीं बिल्डअप कर सकते। नंबर थ्री, न्यूट्रिशन डिमांड सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको हर दो घंटे के अंदर कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, चाहे फिर वो उनको कार्ब्स इंटेक करना हो, प्रोटीन इंटेक करना हो, फाइबर्स हो, अगर वो इंटेक नहीं करते तो ऑलरेडी उनका मेटाबॉलिज्म तो हाई है तो गेन नहीं कर सकते, तो उनको हर दो घंटे में या तीन घंटे में कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, तभी जाके वो वेट थोड़ा बहुत भी पुट ऑन कर सकेंगे। तो अब हम बात करते हैं ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो नंबर वन, जो कि है कैलोरी इंटेक बोल लो या सरप्लस बोल लो, देखो यहाँ पे कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि आपको कोई सकला में कुछ घुमाएगा तो आपका वेट गेन होने लगता है, ये फटाफट हो जाएगा, नहीं। एक्टोमॉर्फ लोगों के लिए यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि वो कैलोरी इंटेक कैसे फुलफिल कर सके अपने डाइट के अंदर या न्यूट्रिशन के अंदर। आपको हर दो घंटे तीन घंटे में कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, फाइबर हो, बस ज्यादा से ज्यादा तो आपको कार्ब्स इंटेक करने पड़ेंगे, मतलब 70% जो है आपका जो 100 ग्राम होता है उसमें से 70% जो है आपको कार्ब्स के ऊपर रहना पड़ेगा, तब जाके आपका वेट जो है पुट ऑन होने लगेगा। और साथ में अगर कोई लोग नहीं खा सकते, काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर हम बहुत खाते पर नहीं खा सकते, तो ऐसा कुछ सप्लीमेंट है कि हम उससे हमारी जो फुलफिल है न्यूट्रिशन को उसको कम कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड पॉइंट ही वही आता है कि सप्लीमेंटेशन। अब सप्लीमेंटेशन के अंदर मैं उन लोगों को रेकमेंड करता हूँ, अगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अगर कोई बंदा जो है सॉलिड फूड से अगर खा सकता है, उनकी खुराक अच्छी है, तो सॉलिड फूड ज्यादा कंज्यूम करो ताकि आपकी जो कैलोरी है वो सरप्लस में रहे और इंटेक अच्छे से। अगर नहीं खा सकते तो उनके लिए कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं मार्केट के अंदर जो उनको लेके वो अपने डाइट को न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सकते हैं, ताकि वो उनके कैलोरी को अच्छे से इंक्रीज कर सके और सरप्लस में रहे। नंबर थ्री, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो करना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर कैसे, एग्जांपल दो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गए और कुछ आइसोलेशन एक्सरसाइजेज है वो भी आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन एक्सरसाइज तो परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और अभी रिसेंटली भी मैं बताऊँ तो काफी लोग आते भी है पतले कि सर हम कार्डियो तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि हमको तो वेट गेन करना है। नहीं, वो लोग वही गलती कर देते हैं। कार्डियो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई गाड़ी ले रहे हैं, वो गाड़ी का इंजन ही सही से आप उसको राउज नहीं करोगे, टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करोगे, तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। उसी तरह जो दिल है वो हमारा एक इंजन है, तो अगर इंजन अच्छा रहेगा तो हमारी गाड़ी भी अच्छी रहेगी, तो इसके लिए आपको कार्डियो भी करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीक के अंदर 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो 2 दिन आपको कार्डियो के देने पड़ेंगे और साथ में आप उसको और एक्सरसाइज या एब्स की एक्सरसाइज भी करना है, ताकि आपकी जो एब्स है वो अच्छे से डेवलप हो और एकदम मस्कुलर थोड़ा बिल्डअप हो जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर, जो कि है प्रॉपर रेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो सब लोगों ने अगर आप फुलफिल कर रहे हो, अगर आपने सही से रेस्ट नहीं करा, ठीक है, जैसे कम से कम आपको रेस्ट करो तो 7 से 8 घंटे की नींद आपको
जरूरी है, उससे ज्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नींद पूरी नहीं करी, रेस्ट नहीं करा, तो आपने जो आगे की तीन जो पॉइंट को फुलफिल कर लिया, चलो मान लेते हैं, अगर आपने फोर्थ पॉइंट को फुलफिल नहीं करा तो आगे की तीन चीजें वो टोटली वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो आपको नींद भी पूरी करना बहुत जरूरी है। कोई बोलता है 5 घंटे सोते हैं, हमारे पास टाइम निकालो, आपको रेस्ट तो करना पड़ेगा। रेस्ट नहीं करोगे तो आपके जो मसल्स है वो अच्छे से रिकवर नहीं होंगे, अगर अच्छे से रिकवर नहीं होंगे तो आप अगले दिन के लिए काफी एक्टिव नहीं रहोगे, आपको चिड़चिड़ा सा रहेगा कि आपको नींद पूरी नहीं हुई है, ये नहीं हो रहा, प्रॉपर बोला एक्सरसाइज कर हो ही नहीं रहे, थके तो कहाँ से होगी, आपने प्रॉपर रेस्ट ही नहीं लिया तो कैसे होगा। इसके लिए रेस्ट लेना भी बहुत ही जरूरी। तो पॉइंट नंबर 5 जो कि है प्रॉपर हाइड्रेशन। हर आपको थोड़े थोड़े टाइम के अंदर पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं पीते हो या ड्यूरिंग वर्कआउट आपको हाइड्रेशन नहीं रखते हो तो क्रैम्प्स आने के चांसेस काफी है, और अगर एक बार क्रैम्प्स आए तो आपको रोना भी नहीं आएगा, इतने क्रैम्प्स हो ऐसा लगे सिर फट के बाहर आ जाएंगे, बट आपको डरना नहीं है, पानी पीते रहना है। उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ ड्यूरिंग वर्कआउट के अंदर, आप करना है 1 लीटर पानी ले लेना है, उसके अंदर हाफ या पूरा नींबू निचोड़ देना है, और जैसे ब्लैक सॉल्ट आता है या पिंक सॉल्ट आता है उसके अंदर एड ऑन कर दो, ताकि आपका जो सोडियम है वो भी मेंटेन रहे, आपको उसमें क्रैम्प्स नहीं आएंगे, बहुत एनर्जी भी अच्छी रहेगी ड्यूरिंग वर्कआउट के अंदर। और अगर जैसे बाहर इंटेक करो या फिर लंच में या डिनर में पानी ज़्यादा नहीं दे सकते, तो आप जैसे जितना ये वो सब भी कंज्यूम कर सकते हो, तो आपका कैलोरी इंटेक भी हो जाएगा और आपका हाइड्रेशन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो ये 5 चीज से आप जो है चैलेंजेस जो है उसको ओवरकम कर सकते हो और एक्टोमोर्फ को अच्छे से बना सकते हो, और उसके अंदर आगे जाके आप अपने बॉडी टाइप को भी धीमे धीमे चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आप सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कोई जादू की छड़ी नहीं आने वाली है। काफी लोग बोलते हैं कि ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो ऐसा हो जाएगा, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा कि हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पेशेंस, पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, कम से कम 3 महीना 6 महीना 1 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आपको कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के तौर से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टोमॉर्फ लोग दिखते कैसे। तो बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये जो है वो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप है इनका, कि आप जैसे मैंने पहले कहा था वो पहले से लीन दिखते हैं, मसल मास भी इनमें कम हो रहा है, आप फोटो में देख सकते हो, और इनका जो एब्डोमिनल भी है वो भी विजिबल है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन उनकी एक और मूवी आई थी जो कि है मटरू की बिजली का मंडोला, आपने वो भी देखी होगी। उसके लिए उनको वेट गेन करना था, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है कि उनका मेटाबॉलिज्म रेट इतना हाई होता है एक्टोमॉर्फ लोगों का, वो वेट गेन नहीं कर सकते, तो इसीलिए उनको इस मूवी के लिए स्टेरॉइड्स भी लेने पड़े थे। लेकिन स्टेरॉइड्स लेने के बाद, डाइट करने के बाद भी एक टाइम के बाद आने के बाद वो स्टक हो गए थे। तो इससे आप हम लोग क्या समझते हैं कि जो बॉडी टाइप है एक्टोमोर्फ, ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने स्टेरॉइड्स इनटेक कर लोगे या डाइट भी अच्छे से कर लेते हो तो एक टाइम के कहीं ना कहीं आके आप स्टक जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी टाइप है वही एक्टोमोर्फ है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि जो मेरा बॉडी टाइप है वो यही रहेगा। हाँ, पर जैसे इट्स डिपेंड करता है आपके जीनेटिक्स के ऊपर भी, अगर आपके जीनेटिक्स अच्छे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हो बॉडी टाइप को, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारा एक्टोमॉर्फ है तो हम अच्छे नहीं दिखेंगे, नहीं, सब बंदे सभी की बॉडी जो है अपने अपने में एक अच्छी होती है और एक अच्छे से लुक दे सकती है, हमको जो चीज़ मिली है हम उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं हमको वो सीखना है। ठीक है, तो आई होप सो आपको एक्टोमॉर्फ एक्चुअली है क्या वो सारी चीज़ पता चल गई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट बॉडी टाइप के साथ जो कि है मेसोमॉर्फ।